अरे क्या हो गया? गाड़ी से टक्कर हुई है। गाड़ी से भाई, देख, इससे दोनों ठुक गए थे। कैसा हो गया? अरे भाई साहब, पूरा सामान बिखर गया। अरे पूरा ट्रक पलट गया, पूरा सामान भाई साहब। अबे यार ये तो दिक्कत है। ये देख, बंद हो, जहां मैं रेल छोड़ रहा हूँ बंद हो जा रही है। अरे राइडर, लेडीज क्रॉस कर रही है बेटा, ध्यान देना है, गलती हमारी है। जय श्री राम सभी को। और अभी हमको निकलना है धरदू, मतलब मेरे और मेरे भाई को निकलना है धरदू। और निकलने से पहले मैंने कहा था ना, दिक्कतें आती हैं, तो आज एक और दिक्कत आ चुकी है। हमारी जो बाइक है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मतलब बाइक जो थी 2-3 दिन से खड़ी थी, मतलब दिवाली से एक दिन पहले से खड़ी थी बाइक घर में, मतलब स्टार्ट नहीं कर रखी थी। और हमने सोचा था कि अब जाएंगे आराम से, आज सुबह मैं तेल डाल दूंगा, बस टंकी फुल कर देंगे, देहरादून को निकल लेंगे। नहीं, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि कल जब बाइक स्टार्ट करी तो पहले बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इसमें दो दिक्कत आई थी। एक तो इसका जब पीछे को लगाओ तो पीछे अटक जा रहा था, मतलब बहुत लूज हो गया था, ऐसा लग रहा था तार टूटने वाली है, ये इश्यू आया। दूसरा ये था कि बाइक स्टार्ट मारो तो स्टार्ट नहीं होती, और स्टार्ट होने के बाद भी बहुत धक्के मारती है, अगर एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो फिर उसके बाद बंद आ रही थी। आरपीएम जो है इसका 1000 आरपीएम के ऊपर जाती बंद आ रहा था। तो मुझे लगा स्टार्ट शायद इसलिए नहीं हो रही कि 2-3 दिन से खड़ी है, ठंडों का टाइम है, तो क्या पता ठंडा पड़ गई होगी बाइक, तो दिक्कत हो रही होगी। तो मैं कह रहा थोड़ा स्टार्ट कर रखता, तो मैंने चौक खींच के स्टार्ट कर रखा, लेकिन उसके बाद ही जब मैं बढ़ा रहा था आगे तो बाइक नहीं बढ़ रही है आगे, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। तो फिर अब मैंने मैकेनिक को फोन कर रखा है, तो वो कह रहा था कि सुबह बाइक दे देना, क्या था कार्बोरेटर में दिक्कत हो रही हो, कुछ कचरा जम गया। वो कार्बोरेटर की दिक्कत लग रही है क्योंकि टंकी में पानी भी नहीं घुसा हुआ है, अगर पानी गया होता तो एक बात भी थी। वो कहता जल्दी निकलेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा लेट निकलेंगे, 9-10 बजे तक निकलते हैं शायद यहाँ से, लेकिन उससे पहले बाइक सही करानी, क्योंकि रास्ते में अगर कहीं खराब हुई फिर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, ना इधर के ना उधर के। वो ये कह रहे हैं आके चेक कर लो, बाइक तो बिल्कुल सही है। ये मुझे थोड़ी हैरानी वाली बात लग रही है। अब देखते हैं, वहाँ शॉप में जाके देखूंगा कि क्या हो रहा है, असली मैटर क्या है। बाकी जितनी हमारी पैकिंग थी, खाना पीना था, सब कुछ हो गया, सारा सामान पैक हो गया है, कैमरे वैमरे सब चार्ज कर लिए हैं, बस जो टाइम लगेगा अब ये बाइक का ही बचा है। तो बाइक अगर जल्दी से जल्दी होके सही मिल जाए तो बढ़िया, क्योंकि ये भी यहाँ से एटलीस्ट 5 घंटे लगेंगे हमको देहरादून पहुँचने में बाइक से। गाड़ी से तो क्या है, 3 घंटे का रास्ता है। और शॉप में पहुंचा तो भैया अपना बहुत जोरों जोरों से दिमाग लगा रहे थे कि बाइक में दिक्कत क्या है, और सारे पैंतरे आजमा लिए। और लास्ट में समझ आया कि कार्बोरेटर में ही दिक्कत है। तो फाइनली बाइक थोड़ी सी ठीक हो चुकी है। अब भैया ने थोड़ा जुगाड़ तो लगा दिया है, अगर फिर से वही दिक्कत आएगी तो अब देखते हैं, शायद कार्बोरेटर इसका पूरा चेंज करना पड़ जाएगा शायद, क्योंकि पाइप थोड़ा सा ब्लॉक था इसका, वो सही हुआ तो स्टार्ट हो रही है। अब आगे देखते हैं क्या होता, कुछ पता नहीं। चप्पल पहन के बाइक चलाता है वो। चप्पल पहन के चला रहा भाई। मैं तो कहीं गली से निकल रहे हो। रोम रोम भाइयों।
अरे क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया लग रहा है क्या? ओहो, कोई गिर गया शायद। कोई स्कूटी गिरी गई? नहीं, गाड़ी से टक्कर हुई है, गाड़ी से। अच्छा, जिम्मेदारी से चलो बड़े भाई। बलिनो वाले से हुई है। अच्छा, मैं समझ गया क्या हुआ यहाँ पे साहब। वो बलिनो स्कूटी वाले टकराया होगा, एकदम रुका, ये गाड़ी बलिनो से टकरा गई। अबे ठुक गई है। अरे देख, इससे दोनों ठुक गए थे, कैसे हो गया? यार अपना चलते हैं, अपने पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि अपने आपको फटाफट देहरादून पहुंचना है। अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ फिर पंगा हो गया। अब कोई और गिर गया यहाँ पे, बाइक वाला। तो अभी टोल पास करके ये भी हम बस हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके, और देख सकते हो बाल हमारे पूरे खराब हो चुके हैं। अब यहाँ से हम जो राइडर है वो चेंज होगा, मेरा भाई चलाएगा यहाँ पे से, मैं पीछे की सीट में बैठूंगा क्योंकि कमर में हो गया थोड़ा सा दर्द। अभी हमने 100-110 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके हैं, तो हमें सोच रहे हैं हर 100-100 किलोमीटर में या हर लंबे 100-120 में चेंज होते रहेंगे, तो इससे कि दर्द भी नहीं रहेगा, आराम से पीठ में, और लंबा ट्रेवल भी कर लेंगे यहाँ से हम। हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं नजियाबाद, फिर उसके बाद आगे के हरिद्वार आएगा, फिर उसके बाद देहरादून। तब ये है, लंबा सफर है थोड़ा अभी। अरे ये क्या हो रखा है भाई? अबे ट्रक पलट गया रे। अरे भाई साहब, पूरा सामान बिखर गया, पूरा ट्रक पलट गया, पूरा सामान भाई साहब। खेरा पंजाबी ढाबा, इसी का वेट हो रहा। आज कितनी भीड़ हो रही है यहाँ, गाड़ियाँ गाड़ी कितनी लग रखी हैं। थोड़ा रेनोवेट सा कर रखा है इन्होंने शायद। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं ये खेरा का ढाबा। बहुत टाइम लग गया ढूंढते ढूंढते, हम कब आएगा लगे हुए थे हम दोनों। अब वही था ना, सुबह निकलने में देर हुई, 12 बजे निकले हैं। अब यहाँ पे पहुंचते पहुंचते हमें 4-5 बज चुका, तो वही है मतलब देहरादून पहुंचते हमें 7 बज जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे भी आधा पौन घंटा हमको लगेगा ही लगेगा। और आज यहाँ पे भी काफी भीड़ हो रखी है, मतलब बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं। अभी कुछ गाड़ियां चली गई। चले ब्रूदर, शकल के 12 बज रखे हैं। पहले तो हाथ भाई बाइक चलाते चलाते ना, तो हाथ मुंह धोना है पहले। तो लग रहा बैठ के यहाँ पे भाई। बाहर से लग रहा था बिल्कुल जगह ही नहीं होगी, लेकिन अंदर जगह है यार, इन्होंने पूरा अलग ही बना दिया था पूरा पत्ते। हाँ, और इन्होंने पूरा एक्सटेंड भी कर दिया था उधर की तरफ भी बना रहे हैं अभी, मतलब जाना अलाउड नहीं है अभी। तू ही खा ले आ रही है, मतलब मैं नहीं खा रहा है। ग्रिल सैंडविच, चीज है, सैंडविच नहीं खा रहा है। मीठा मीठा दाल है तो नहीं, क्या जैम जैसा डाल रहे यार इसके अंदर ये।
कॉफी बढ़िया लग रही है भाई, कॉफी एक नंबर है भाई कॉफी। करो ताजा हो गया इससे। मैं क्या मंगाऊँ इसमें और कुछ है क्या इसमें? और हमने तो पराठा मांगा था, ये तो थाली और एक मक्खन दे के चले गए रे। कितना बढ़िया लग रहा है वोडाफोन वाला कुत्ता। वही जगह भी बढ़िया लग रही ना देख। खाना पीना तो हो गया, पेट पूजा हो गई, अब चलते हैं। अभी भी यहाँ से दूर है काफ़ी यार, मतलब पहले हरिद्वार पहुँचना है, हरिद्वार भी मतलब आधा घंटा लग जाएगा। ये रही हमारी मैरी, हमारी मैरी को भी आराम मिल गया ज़रा। चलो भाई अब मैं ड्राइव करूँगा। ये है मैरी और ये है मैरी का मैरा। ठीक। अबे तेरे को पता है ये जो इसका हेलमेट का शीशा एक तो पूरा काला है ना, मैंने एकदम मेरा और मैंने से बंद करा जबकि अभी इतनी धूप रोशनी हो रही है। और पता क्या हो रहा है, मुझे मीम याद आ रही है, आई कांट सी फकिंग शिट ऑफ दिस थिंग। जहां मैं रेस देना बंद कर रहा हूँ ये बंद हो जा रही है। तो रेस देना बंद कर ही मत, ये तो कतई जॉन ऑफ ब्रायन बन रहा है। अरे ये गाड़ी गिर गई एक और। अरे अबे यार ये तो दिक्कत है, ये देख बंद हो, जहां मैं रेस छोड़ रहा हूँ बंद हो जा रही है। ना ना चला लूंगा मैं, आज ये क्या जाम लग गया हरिद्वार में। अभी कितने तेल में पहुंच जाएंगे हम? तीन तीन डंडे दिखा रहा है अभी ये। ओके दोस्तों फाइनली इतना धक्का मुक्की कर कुरके हम हरिद्वार के अंदर एंटर हो चुके हैं। लेकिन जो भी है बाइक इतनी बढ़िया चला रहा था ना, देख रहा कितनी फटाफट ले आया यहाँ पे मैं। और एक 12 बजे के निकले हो भाई, अभी 7:30 हो गया होगा। कद्दू मेरा 7:30 हो गया, 6:30 होने वाला है। तब भी फिर भी तो भाई 1 घंटा हमने खाना खाना भी तो खाया हमने तो। ओके देहरादून बस पहुंच गए हैं, ये टोल है यहाँ का। और भाई साहब कितनी भीड़ हो रही है भाई, बाइक में आए बच गए, गाड़ी में होते तो यही खड़े रहते हम लोग। वैसे गाड़ी से जल्दी आते लेकिन क्या आता कब से खड़े हैं, ये देख रहे कितनी लंबी लाइन लगी है। तो हम पहुंचने वाले होते कार से, क्योंकि बहुत देर हमको उस बाइक का इंतजार करते हुए तो लगा कि कब ठीक होगी। हाँ कार में तो हम निकल गए होते ना सुबह टाइम। ओके ओके ओ भाई साहब भेलो में ऐसा दर्द हो गया खड़े खड़े, भाई की तो और हालत खराब हो रही है। पीछे की सीट इतनी छोटी है ना, जो पीछे बैठ रहा उसको और भी दर्द हो रहा है भाई। लेकिन यहाँ पे इतना लंबा जाम है क्या ही बोले, लग रहा है जाम अभी अभी खुल रहा है बस हमारे आते ही। गाड़ियां ऐसे सरपट भाग रही है ना यहाँ से। ओके तो फाइनली हम देहरादून के अंदर एंटर कर चुके हैं, इतने लंबे
पिछवाड़े में दर्द के बाद। अरे 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 ऑटो वाले कहाँ डाल रहा है? अरे राइडर हमें डिसबैलेंस कर गया भाई। देख हम बुलेट होकर यहाँ नहीं चला पा रहे और एक स्प्लेंडर लेके कहाँ कहाँ निकल जा रहा। लेडीज क्रॉस कर रही है बेटा, ध्यान देना है, गलती हमारी है। अरे ओ माय, यहाँ भी लगी है। अंदर आ जाओ। फाइनली अब रूम पे पहुंच चुके हैं। रूम पे पहुंच के बहुत अच्छा लग रहा, मतलब जान पे जान आ रही। नहीं तो बैठ बैठ के बाइक में सब भेलों में दर्द हो गया था हम दोनों के, और इस भाई के साथ रहना पड़ेगा हमको कुछ दिन। अबे साले कैसा लग रहा है फिर हमारे साथ रह के? एकदम मजा आ रहा है, बहुत दिनों के बाद मिले हैं। हम तीनों यहीं सोएंगे क्या? इस वाले में सोएंगे, अलग अलग सोएंगे? भाई कभी हमने यहाँ पे लगा दी है, इसमें वही दिक्कत है। आप खड़ी रहेगी तो सुबह मेरे को लग रहा है स्टार्ट करने में दिक्कत आने वाली है, क्योंकि कार्बोरेटर काफी दिक्कत कर रहा है रास्ते में भी। रेस छोड़ रहे हैं मतलब बीच रास्ते में, चलती बाइक बंद हो आ रही है, तो अब कल सुबह पता चलेगा क्या हिसाब इसका रहेगा। बाकी बात अब कल ही करते हैं। तो यार ब्लॉग का पार्ट इतना ही था, अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या हिसाब बनता है, बाइक में कोई दिक्कत आती कि नहीं आती। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।